नॉकआउट, और शायद अभी के लिए उनको बचाना भी काफी मुश्किल टास्क है यहाँ से। जी हाँ, देखिए बचाना बहुत मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन शायद नामुमकिन नहीं। देखना पड़ेगा किस तरीके से अप्रोच रहता है, स्मोक का इस्तेमाल किया जा रहा है जॉनसन की तरफ से। बट या आखिर में रेड स्पर्स ने उनको किया समाप्त। आखिरी दो प्लेयर बचे हैं हाइड्रा की तरफ से, उनके पास हालांकि अभी भी चांसेस हैं। जिस तरीके का एंगल वो इधर होल्ड करके रखे हैं, हो सकता है कि टीम गॉडलाइक के ऊपर थोड़ा सा इधर दिक्कतें वो जरूर दें। बट एडविनो चार फिनिशेस के साथ काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन, चीफली आखिरी प्लेयर थे स्काईफॉल की तरफ से, उनका भी समाप्ति इधर देखने के लिए मिल चुका है। कंफर्मेशन आ चुका है उनके पूरे टीम के एलिमिनेशन का। बट इधर कोशिश, यस इधर स्पर्स को किया जाएगा नॉक, बट नो उनको डैमेज लगा था एडमिनो की तरफ से। बट आखिर के जो नॉक था वो हम लोगों को प्ले जोन में होते हुए देखने के लिए मिले, सो वो फिनिशर्स पॉइंट इधर गॉडलाइक को नहीं जाएगा। तो ये जगह पे देखना होगा कि टीम गॉडलाइक का क्या अप्रोच रहता है। डोरा की भी अगर बात किया जाए, देखिए जोन के बाहर हिल बैटल कर रहे हैं, टीम टमिलाज वर्सेस गॉडलाइक ही होने वाला है मेन फाइट। मुझे लग रहा है कि शायद ना जैसी वो 15वां फर्स्ट विकेट खत्म होगा ना, डोर ओपी टीम गॉडलाइक के लिए बहुत दिक्कत लेकर आ सकते हैं। उनका एक स्प्रे में तो मुझे लग रहा है कि नॉकआउट तो हो जाएगा, दूसरे स्प्रे से डैमेज अच्छा खासा खा सकता है। पूरा एडवांटेज अभी के लिए नंबर्स का एडवांटेज बना हुआ, बट ये ग्रेनेड अगर बिल्कुल बीचों बीच करता है तो शायद मल्टीपल नॉकआउट देखने को मिल सकते हैं। ये काफी क्रूशियल वो ग्रेनेड है, कल से बहुत वो नॉकआउट निकाला मैक्सी ओपी के ऊपर, फिर से एक और ग्रेनेड को किया जाएगा। शायद नॉकआउट के अलावा जो दूसरे खिलाड़ी को रिवाइवल देंगे उनके ऊपर वो धमाका जाएगा। जी हाँ, देखते ही देखते वो तीन नॉकआउट्स आ चुके हैं और यहाँ से जोनाथन को अब कन्वर्जन पे कन्वर्ट करना है यहाँ से। और ग्रेनेड, एक उस ग्रेनेड के चलते जोनाथन ने निकाल दिया है 10 फ्रैग के साथ, लाइक अपना जगह बना चुके हैं वो चिकन डिनर के लिए एकदम टॉप पे। अभी जस्ट महज टाइम इधर बचा हुआ है कुछ ही, और उसी के साथ 5 फर्स्ट हिट्स तो जरूर है। पर डोरा को पता है कि फाइट जो है वो शायद इधर खत्म हो चुका है, उनके सामने टीम गॉडलाइक घूम रहे हैं। बट टीम गॉडलाइक जिस जगह पे वो मिला, और देखिए विनर विनर चिकन डिनर, ये वो धुरंधर टीम जो कि हम लोगों को देख और उसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इनको और कुछ ही वक्त डाउन कर दिया जाएगा पंक, दूसरी तरफ ग्लोबल स्पोर्ट्स को डाउन कर रहे। तो देखिए चार टीमें हैं कुल मिला के, अगर आप देखें मेडल स्पोर्ट्स वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स, लेकिन मेडल स्पोर्ट्स को तंग कर रही है एक दूसरी टीम और ग्लोबल स्पोर्ट्स को तंग कर रही है एक दूसरी टीम। तो ये फाइट उतना कंफर्टेबल यहाँ पे होकिंग कर नहीं पाएंगे, बट जोनाथन इंटर करेंगे कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्प्रे, कनेक्शन भी बहुत कमाल का, लेकिन नुकसान भी कमाल का। खत्म तो किया गया यहाँ पे पूरी टीम को, अपोनेंट को यहाँ पे, लेकिन रिवाइवल वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम तमिलास एक एक करके उनके खिलाड़ियों को खत्म किया गया और उसमें जोनाथन का योगदान बहुत ज्यादा, और थर्ड पार्टी भी बिल्कुल यहाँ पे ऑन द टाइम हमें देखने को मिल जाएगी। क्या इस फाइट को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाएंगे? एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन खत्म करने से पहले उपयोग किया जाएगा अपने दोस्त, नॉक कर रहे हैं निकाल रहे हैं, बट नकुल को नॉक किया जाएगा जोनाथन की तरफ से। जोनाथन आज अपने ग्रेनेड्स के साथ इधर धुआंधार प्रदर्शन खेलते हुए, और देखिए एक और ग्रेनेड को खोता हुआ क्लोज आएंगे, ये कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं, कनेक्ट हो जाएगा लेकिन डाउन नहीं हुए, बट फाइनल कनेक्शन और टीम को देंगे इधर टीम सो उसी के साथ अभी भी अलाइव है। इंतजार करना पड़ेगा, और चलिए ओवरऑल की डिमांड करी प्रोडक्शन ओपी इन द चैट, जोनाथन 25 फ्रैग के साथ, लेकिन जरूर देखना चाहेंगे यहाँ से फियर्स कितनी जल्दी यहाँ पर बीट कर पाते हैं, क्योंकि 21 फ्रैग के साथ आपको दूसरे स्थान पे नजर आ जाएंगे 30.88 का। मुझे तो लग रहा है कि आप ओवरऑल एमवीपी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर 1 पे आ चुके